तो दोस्तों हमारी डेमो आती हुई देखे यहाँ पे कैसे थे गुलाब जामुन। 20 रुपए के 4। 20 के 4 है भैया। देखो ये डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा फ्रेंड से आगे बहुत बिल्कुल टप्पा सुगंधमय हो गया है और इसकी बात अलग है, एकदम गरम गरम है। क्यों फ्रेंड्स देखें ये चाय बेचने का शानदार वाला तरीका। शाम के सफर की भी बात अलग होती है यार दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स क्या हालचाल है, इस वक्त मैं खड़ा हूँ रतलाम में, देख सकते हैं रतलाम का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा। और हम लोग रतलाम से इंदौर तक का सफर करने वाले हैं, वो भी डेमू ट्रेन से जो कि रतलाम से डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए चलती है दोस्तों। प्यारी सी शाम का नज़ारा देख सकते हैं आप रतलाम रेलवे स्टेशन का, यार काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है यार। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और इधर है प्लेटफॉर्म नंबर 2। टाइमिंग की फ्रेंड्स बात करें तो रतलाम से शाम को 7 बजे चलती है और 2 घंटे 50 मिनट का टाइम लेके 9:50 पे इंदौर जंक्शन उतार देती है दोस्तों। और हम लोग यात्रा करेंगे, देखते हैं डेमू का सफ़र। और जिस किसी को भी यहाँ से बड़ नगर फतेहाबाद चंद्रावती गंज होते हुए इंदौर की ओर यात्रा करनी है एक छोटे से शॉर्ट रूट में, वो यात्रा कर सकता है दोस्तों। तो हम भी पूरी यात्रा करेंगे, बने रहें फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमारी डेमू आती हुई देखें यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर नगर इंदौर चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा फ्रेंड्स से आगे से ही आ रही है चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा से। ये देखें फ्रेंड्स काफ़ी भीड़ है इसके अंदर यार। ये देखें फ्रेंड्स भीड़ का नज़ारा गाड़ी में, इधर भी देखें फ्रेंड्स ट्रेन के अंदर की स्थिति देखें आप। दोस्तों ट्रेन में बैठ चुके हैं और जगह मिल चुकी है हमको, और ये देखें यार ट्रेन की स्थिति किस प्रकार की है। हमें भी सीट मिल गई है और देखें यार छोटे छोटे गांव कस्बों से निकलती हुई हमारी ये ट्रेन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों की सवारियां रहती है। और हमारी ट्रेन भी चल चुकी है, यहाँ से रवाना हो गई है रतलाम। वाओ, और ये प्यारा सा फ्लैग हमारे रतलाम का देखें, वाओ कितना बढ़िया है यार। 7:05 पे हमारी गाड़ी रवाना हो चुकी है रतलाम से डॉक्टर अंबेडकर नगर महू के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसी कुछ स्थिति है यार हमारी डेमू ट्रेन की, देखें आप पूरी फुल हो चुकी है। झाड़ियों में छुपा हुआ ये रतलाम का बस स्टैंड नीचे की ओर, ये फ्रेंड्स देखें रतलाम का बस स्टैंड, यहाँ देखें बसेस लगी हुई हैं। जिस किसी को भी मंदसौर नीमच भिलवाड़ा की ओर जाना है यहाँ पे बसेस हैं। देखें ये चाय बेचने का शानदार वाला तरीका, केटली को ऊपर लटका के चाय बेच रहे भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये देखें नौगावा। तो फ्रेंड्स अपना पहला स्टॉप रतलाम से नौगावा स्टेशन पे आ गए यार हम लोग। और यार शाम के सफ़र की भी बात अलग होती है यार दोस्तों, एक अच्छी सी शाम और ठंडी ठंडी हवा में यार गर्मी के मौसम में काफ़ी अच्छा लगता है यार। इसके आगे आने वाला है फ्रेंड्स रुनीजा बड़ नगर फतेहाबाद, देखेंगे कवर करेंगे अपन स्टेशन जो हो सकता है। रुनीजा कचौरी मिल जाना चाहिए बस, कचौरी नहीं समोसा सर, मैं कचौरी तो नहीं खाता हूँ भैया। दूसरा स्टॉप जो है आ चुका है रुनीजा, और रुनीजा के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, रुनीजा की कचौरी काफ़ी फेमस है यार। और अभी तो यार हाल फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है हमारी कचौरी, तो देख सकते हैं यार ये माहौल रुनीजा का अंधेरा है यार काफ़ी। तो ये भैया आ गई है कचौरी यार, हम इंतज़ार ही कर रहे हैं और भैया की कचौरी आ गई है यार। भैया दिखी गई यार कचौरी और डब्बे के अंदर आ रही है कचौरी, तो वहीं लेते हैं और हमारी ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया। गरम है, बिल्कुल गरम है, ठंडी होता बाहर फेंक देना पैसा वापस। बहुत बढ़िया भैया, लाओ भैया हमारे गरम है, गरम है रुनिया बाहर की कचौरी, बिल्कुल गरम है।
हम लोगों ने कचौरी ले ली है और देख सकते हैं प्यारी सी कचौरी। और जैसे ही डब्बे में घुसे यार कचौरी वाले भैया तो बिल्कुल डब्बा सुगंधमय हो गया यार। और इसकी बात अलग है, एकदम गरम गरम है। क्यों, कैसा क्या टेस्ट कैसा है? बहुत जोरदार जोरदार। बस अब खाते यार, रुनिजा की कचौरी वैसी फेमस है तो अच्छा ही होगा स्वाद इसका भी। बटनगर बड़नगर ये रहा पानी सामने, जाओ दादा चले जाओ। करेक्ट 8 बजे ये आ चुके हम लोग बड़नगर यार, उज्जैन जिले में स्थित बड़नगर यार, काफ़ी गाँव को कनेक्ट करता है। और हमारी गाड़ी भी एकदम अपने टाइम पे ही चल रही है देख सकते हैं। और यार डेमू की बात ही अलग है यार, लोकल पैसेंजर जो यात्री रहते हैं और छोटे छोटे गाँव में उतरते हैं तो अच्छा लगता है यार दोस्तों। छोटे छोटे गांव कस्बे देखने को मिलते हैं यार इस गाड़ी में, क्योंकि हमारी लोकल ट्रेन है, हर स्टेशन पे रुकेगी। और देखें यार कुछ नज़ारा, बड़नगर का अंधेरा है तो मैं आपको पूरे बाहर की जो दृश्य है वो नहीं बता पाऊँगा अभी, केवल स्टेशन ही अपन कवर करेंगे दोस्तों। तो ऐसा कुछ नज़ारा बड़नगर का। उनका तो किराया लगता होगा बड़नगर। बड़नगर भी निकल चुका है और बड़नगर की प्रसिद्धि की बात करें तो यार के जामफल काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी तो हमें देखने को नहीं मिले यार। जामफल वाली एक बाई है जो बेचती है यार जामफल, दोपहर की ट्रेन में मिलती हैं वो, लेकिन अभी तो यार शाम के वक्त हाल फिलहाल में तो नहीं। गौतमपुरा रोड दोस्तों 8:19 पे ये आ चुके हम लोग गौतमपुरा रोड। और गौतमपुरा की बात करें तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गौतमपुरा गांव है। इंगोट युद्ध के लिए यार फेमस है गौतमपुरा, यहाँ पे 2 ग्रुपों में युद्ध होता है जिसे तुर्रा और कलंगी कहा जाता है। आठ बज के 39 मिनट पर यह आ चुके हम लोग फतेहाबाद चंद्रावतीगंज जंक्शन। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन लेकोड़ा चिंतामण होते हुए उज्जैन के लिए निकल जाती है। फतेहाबाद की कचौरी और गुलाब जामुन काफ़ी फेमस है। भैया कैसे थे गुलाब जामुन? 20 रुपये के 4। 20 के 4 है भैया, देखो ये फतेहाबाद के गुलाब जामुन यार काफ़ी फेमस है यार, 20 रुपये के 4 पीस मिलते हैं। रतलाम की ओर जाती हुई डेमो फ्रेंड्स, अजनौद स्टेशन पे इसका क्रॉसिंग था। ये देख, ये है अजनौद स्टेशन। तो दोस्तों ये आ चुके हम लोग पालिया में और ये देखें स्टेशन का खूबसूरत सा नज़ारा पालिया का। बस इसी के बाद लक्ष्मीबाई नगर आएगा और फिर इंदौर। लक्ष्मीबाई नगर जंक्शन ग्रीनेस्ट सिटी में आपका स्वागत है दोस्तों। यह है हमारा इंदौर का जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यार दोस्तों उतारा है हमारी गाड़ी ने, टाइम से पहले आ चुकी है। और काफ़ी बढ़िया यार देखें यहाँ का नज़ारा इंदौर का। और यार एक छोटी सी जर्नी थी जिसमें बड़ा मज़ा आया यार, आप लोग भी कर सकते हैं यार रतलाम से इंदौर तक। और बीच की स्टेशनों की बात करें तो बड़नगर फतेहाबाद होते हुए हम लोग पहुँचे हैं इंदौर। और ऑल फ्रेंड्स आपको कैसी लगी है जर्नी, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करना न भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।